फिर ये अगर यहाँ से महदूद रखेंगे कहाँ से, देखो ये बैक की बात है, ये वो नहीं बना रही है। आप भी बात कर रहे हैं, हम के लीडर, हम भी किसी के लीडर हैं। होता है बैक हर किसी से मुस्लिम है। देखो जहाँ इनके ये कोई जल्दी वाला मसला नहीं है, बात से करेंगे, चल ये चंद मिनटों में हल भी नहीं हो सकता है। लोगों के रहने सहने की बात है, पुष्ट पनाई की बात, ठहरी ठहरी हुआ रहा है। तहसीलदार साहब ने ऑर्डर निकाला था कि दो टीमें यहाँ भेजी थी डिमांडकेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ जब पहुँची तो यहाँ कुछ बंदे थे जो नॉन एसटी थे, उन्होंने उनको कोई काम करने नहीं दिया। हमारे पास तो एक रिकॉर्ड भी नहीं है, हम जंगल की ज़मीन का कोई नाप के किसी को नहीं दे सकते हैं, या हम बाउंड्री इसकी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ उनके साथ आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हमें इसका पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ के। तो रिन्यू डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही बोला है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लठा नहीं है, कोई नहीं है, तो हम ऐसे आके यहाँ क्या करेंगे, क्या बांटेंगे, क्या देंगे, क्या। तो फायर स्ट्राइक एक्ट जो है वो मैंने दिखाया उनको, क्या आप इसको पढ़ो, आप इसके मुताबिक जो करना है वो करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम क्या था कि जो ये त्राग बल था, इस त्राग बल में एक ये टूरिज्म मैप लाया है, अब इसका एरिया चेंज करके दूसरे एरिया से इसका प्रोजेक्ट बन रहा था दूसरी पंचायत की साइड से। तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको चांतन गुलाबपुरा की पंचायत के एरिया में इसको पोर्टल पर चढ़ाया, तो मामला उसी पर ये डिमांडकेशन आई थी। लेकिन यहाँ पहुँच कर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है, हम इसकी डिमांडकेशन कैसे करेंगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्या हम कैसे करेंगे, हम इससे बेखबर हैं। तो साथ में जो उनके साथ पंचायत के आदमी थे पांच वगैरह, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जब तक हमारी पंचायत तालील नहीं हुई तब तक हम कुछ नहीं करने देंगे।